बहुत इंतजार के बाद फाइनली Amazon के ऊपर OnePlus Nord 3 का टीजर आ चुका है। लगभग 2-3 महीने से बहुत सारे लोग रुके हुए हैं OnePlus Nord 3 के लिए। अभी और इंतजार करने का जरूरत नहीं है, 10-12 दिनों के अंदर इंडिया में OnePlus Nord 3 लॉन्च हो जाएगा। Amazon के ऊपर इसका टीजर आ चुका है। आज इस वीडियो में OnePlus Nord 3 के सारे कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस प्राइस में इंडिया में लॉन्च होगा और कब लॉन्च होगा, क्योंकि Amazon के ऊपर टीजर तो आ चुका है लेकिन डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखो, एक एक चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। बैक साइड की तरफ ग्लॉसी पैनल दिया जाएगा, पॉलीकार्बोनेट होगा, यहाँ पे ग्लास बैक नहीं होगा। वही OnePlus Nord CE3 लाइट जैसा ही बैक साइड में सेम कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। बस ये जो फ्लैश लाइट है ना, यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वरना सेम टू सेम डिजाइन है। देखिए ग्लॉसी पैनल या पॉलीकार्बोनेट के वजह से क्या होता है, हाथों का निशान वगैरह बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। बहुत सारे यूथ को ये फोन पसंद आएगा। 6.74 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा और काफी बड़ा डिस्प्ले होगा। नीचे चेन साइड में जो बेजल्स वगैरह है वो भी बहुत पतला होने वाला है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से अगर आप लोग ज्यादा कंटेंट वगैरह कंज्यूम करना चाहते हो, OnePlus Nord 3 आप लोगों को मजा देगा। ऊपर से बहुत ही कम बेजल्स वगैरह होगा ना, तो मजा आएगा मूवी वगैरह देखने में। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे दिया जाएगा, साथ ही में 1400 निट्स का ब्राइटनेस भी है। अगर आप आउटडोर में या कड़ी धूप में भी फोन को इस्तेमाल करने वाले हो, अच्छी तरीके से विजिबल रहेगा इसका डिस्प्ले। इसके डिस्प्ले में कॉर्निंग कोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 चिपसेट यहां पे दिया गया है। 10 लाख के आसपास इसका अंतुतु स्कोर आया है। काफी पावरफुल चिपसेट है। अगर आप लोग ज्यादा गेमिंग वगैरह करना चाहोगे, ये फोन आप लोगों को सच में गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर ही देगा और आपको भी मजा आएगा गेम खेल के। और मैंने बहुत सारे वीडियो वगैरह देख रहा था चाइनीज वेरिएंट का, वो फोन ज्यादा हीट भी नहीं हो रहा था। खैर इंडियन वेरिएंट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से इंडिया में ऑप्टिमाइज किया गया है, तो उसके ऊपर ही बात कर सकते हैं कि फोन ज्यादा हीट होता है कि नहीं। बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप रहेगा, 5 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा और ये सोनी का सेंसर होगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए सेल्फी कैमरा अभी तक कंफर्म्ड नहीं है, बहुत सारे लीक्स आ रहा है कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी लीक्स है जहाँ पे बताया जा रहा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। अभी फोन आने के बाद ही पता चलेगा। आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 मिलेगा, ऑक्सीजन OS में रन करता है। देखिए अभी जो ऑक्सीजन OS है कलर OS के साथ मिल चुका है, तो उसके वजह से पहले जो ऑक्सीजन OS मिलता था ना, अभी उतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता है। इस फोन के बैक कैमरा से 4K 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, लेकिन सेल्फी में फुल HD 30fps तक ही दिया गया है। 5000 mAh का बैटरी दिया जाएगा और साथ ही में 80 वाट का चार्जर होगा। फोन आने के बाद ही हम लोग चार्जिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट या पबजी गेमिंग रिव्यू सब कुछ डिटेल में करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका बैटरी सर्विस कैसा है, प्रोसेसर कैसा है। इतना ही नहीं, डिटेल कैमरा रिव्यू करके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सच में का कैमरा बेटर है कि नहीं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत अच्छी बात है। स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, ड्यूअल स्पीकर यहाँ पे रहेगा, लेकिन 3.5mm जैक का ऑप्शन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है या क्या इस फोन को बाय करना चाहिए। देखिए दोस्त, इसका जो प्राइस रहने वाला है बेस वेरियंट 8GB 128GB 30 से 33 के अंदर ही रहेगा। 30,000, 32 या 33, इसके अंदर ही इसका बेस वेरियंट का प्राइस रहेगा। अगर 30,000 रुपीस में आए ना ये फोन, बहुत ज्यादा टक्कर देने वाला है, मार्केट को हिलाने वाला है, बहुत सारे लोग खरीदेगा 30,000 रुपीस में अगर फोन लॉन्च करता है। बाकी फोन आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी फोन लॉन्च होने दो, किस प्राइस में लॉन्च होता है वो पहले देखते हैं, कितना अच्छा पिक्चर क्वालिटी वो देख लेते हैं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि इस फोन को परचेस करना चाहिए कि नहीं। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता, मतलब ओपिनियन नहीं दे सकता कि फोन बुरा है या अच्छा है। फोन मेरे हाथों में जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इस फोन के लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, आप लोग खरीदोगे कि नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।